इस वक्त मैं सेक्टर 7 के मंकीनुमा मंदिर पर खड़ा हूँ। आज तेलुगु समाज का सबसे प्रसिद्ध और सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है जिसका नाम है संबरालू। संबरालू का मतलब होता है उत्सव। संबरालू एक तेलुगु शब्द है, उसका मतलब होता है उत्सव। आज ये उत्सव सबसे बड़ा है तेलुगु समाज के लिए। वो इस त्यौहार को किस प्रकार से मनाते हैं और ये त्यौहार कितना विशाल होता है, ये कवर करने के लिए हम आज यहाँ पर पहुँचे हैं और आपको ये दिखाएंगे कि ये त्यौहार और तेलुगु समाज इस त्यौहार को कितने उत्सव से मनाता है। आइए देखते हैं। जय माता दी। मैं नीलम चन्नाकेशोलू, भिलाई सेक्टर 7 निवासी। आज मैं बी सुग्रीव सेक्टर निवासी। आज श्री 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 माता धाम मंदिर में माँ मनकिनम्मा राजराजेश्वरी माँ एवं दुर्गा माँ का महोत्सव संबरालू बड़े ही धूमधाम से पूरे भिलाई वासियों के द्वारा मनाया गया है। काफ़ी उत्साहपूर्वक भव्य रूप में माँ का संबरालू मनाए हैं और काफ़ी सभी लोग मिलजुल कर माँ का आशीर्वाद प्राप्त किए हैं और साथ में कई सारे झांकियाँ आंध्र प्रदेश से तेलंगाना से यहाँ प्रेजेंटेशन दिए और काफ़ी अच्छे रूप में आज का झांकी सफल हुआ। मैं आप सभी को धन्यवाद बोलना चाहता हूँ क्योंकि आज इस कार्यक्रम में शामिल सम्मिलित होकर और माँ का आशीर्वाद प्राप्त कर हम सबको आशीर्वाद दिए हैं। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह हम सब ये संबरालू हर साल भी कर सकते हैं और 3 वर्ष में तो करते ही है। मैं चाहता हूँ कि आपका आशीर्वाद रहा तो बार बार इस टाइप का करते रहें और माँ का आशीर्वाद हम पूरे भिलाई निवासियों को मिले और हम सब एक अच्छे एकता की भावना से जुड़ कर सफल पूर्वक कार्य करें। धन्यवाद। आप कुछ कहना चाहेंगे? एक्चुअल में जब हमारी पहली पीढ़ी आई थी भिलाई में तो उस परंपरा का जो हमारे तेलुगु संस्कृति की जो परंपरा है उसको निरंतर हम सेकंड पीढ़ी के लोग हैं उसको निभा रहे हैं और आशा करते हैं कि जितने भी हमारे तीसरी पीढ़ी के लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं वो छत्तीसगढ़ में तो हैं, छत्तीसगढ़ी माता को हम प्रणाम करते हैं, लेकिन आंध्र संस्कृति को जीवित रखने के लिए छोटे छोटे जो कार्यक्रम होते हैं, जो माता की पूजा होती है, ये कम्प्लीट एक आंध्र संस्कृति को प्रदर्शित करता है। तो मैं चाहूँगा कि जितने भी मेरे यहाँ पर लोग आए, जो बच्चे आए, जो हमारी थर्ड पीढ़ी के, उनसे अनुरोध करता हूँ कि आने वाले समय में इस परंपरा को कंटिन्यू रखें और इस प्रकार से माता पूजा होते रहे। बताया जाता है कि अलग अलग जगह से कला प्रस्तुति के लिए आए थे तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। जी उनके बारे में कुछ बता दो। यहाँ पर एक्चुअल में जब ये संबरालू होता है, इसको महोत्सव कहा जाता है, तो इसमें विभिन्न प्रकार के जो उत्सव होते हैं, जो कार्यक्रम होते हैं, जो तेलुगु संस्कृति को मैच करते हैं, जैसे उनके वाद्य यंत्र हो गए, उनके नृत्य हो गए, इन सभी को लेकर जो नृत्य कला होती है, इनकी पूरी 4-5-6 प्रकार की टीम बुलाई गई थी और दुर्गा माता और काली माता का विशेष प्रदर्शन था कि वेशभूषा के रूप में हम उनके शक्ति के रूप को यहाँ दिखाने का प्रयास किए। तो आपने देखा संबरालू त्यौहार कितने विशाल और कितने बेहतरीन तरीके से मनाया जाता है। तेलुगु समाज के लोग यहाँ पर जो इकट्ठा होते हैं उनका ये महत्वपूर्ण त्यौहार कहा जाता है। तो हम इस प्रकार के खबरें, इस प्रकार के वीडियो आप तक लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए आप केपी न्यूज़ से जुड़े रहिए, उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और कमेंट भी कर लीजिए। धन्यवाद। न्यू वीडियोस के अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें केपी न्यूज़ को और बेल आइकन को दबाएं।